दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक उर्दू को और दबाइए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिडन कैम पेन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग BPR6 जो कि पेन है, हिडन कैम पेन इसको कहते हैं, उसका हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं टेक उर्दू। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम लोग इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो ये आपको 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से 1080x1920 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग फ्राहम करता है। उसके अलावा यहाँ पे ऑडियो जो है वो 20K GHz के आपको हाई परफॉर्मेंस जो है वो रेट पे ये ऑडियो भी फ्राहम करता है। इस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, इस वजह से मैंने Draz.pk से इसको परचेज किया है। अगर आप मेरे पास यहाँ पे इसका बॉक्स भी पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की भी एक वीडियो बनाई है, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोग इस वीडियो के आगे देख सकते हैं इसी वीडियो के अंदर ही। तो दोस्तों, इसकी खास बात ये होती है कि ये आपके इस तरह जेब में लग जाता है और आप लोग इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। और उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और हिडन कैम भी है, तो इस वजह से इस पेन का जो इस्तेमाल वो आप लोग आम जगहों पर भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप लोग वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और किसी जगह पे अगर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है तो वहाँ पे भी आप लोग ये पेन कैमरा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि ये डिटैच हो जाता है, यानी ये जो इसका आगे वाला माउंट है ये अलहदा हो जाता है। तो मैं इसको उतार लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये SD कार्ड मैंने इंसर्ट किया हुआ है और यहाँ पे इसकी ये जो पोर्ट है, इसके इस जरिए इस पे हम लोग अपने कंप्यूटर के साथ और इस कैमरा को चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से काम करता है। मैंने 4GB का इसके अंदर कार्ड इंसर्ट किया हुआ था, आप लोग इसको 8GB का कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 16GB तक भी ये कार्ड को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास पैकेट मौजूद है Draz.pk की तरफ से, जिसके अंदर हमने पेन मंगवाया था। ये इसकी प्राइस आपको नज़र आ रही है, तकरीबन 1700 रुपये इसके हमने पे किए हैं, 1300 रुपये इसके जो प्राइस थी और 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस से। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने ही। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेलर की तरफ से है, यानी जिस सेलर ने ये हमें बॉक्स भिजवाया है, ये उसकी तरफ से है। यहाँ पे मैं अपना जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं हाइड कर देता हूँ और आप लोग प्राइस देख सकते हैं, तकरीबन 1300 रुपये जो प्राइस थी और 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस से। ये आप लोग पेन का नाम भी देख सकते हैं और यहाँ पर पेन की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बताई गई हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये Draz.pk का एक और हमारे पास पेपर था। तो दोस्तों ये आप लोग बॉक्स देख सकते हैं, BPR6 इस कैमरे का नाम है, जो कि पोर्टेबल कैमरा है, हिडन कैमरा है, जिसको हम लोग बिजनेस पोर्टेबल रिकॉर्डर भी कह सकते हैं। तो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, वीडियो ऑडियो और इस तरह के काफ़ी जो फीचर्स हैं इसके अंदर मौजूद है। तो यही वजह थी कि मैंने इसको Draz.pk से मंगवाया है। वीडियो जो है वो फ्रेम रेट 30 फ्रेम रेट पर सेकंड के हिसाब से करता है और जो ऑडियो है वो तकरीबन 24 KHz के ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करता है। और आप लोग इसके दूसरे फीचर्स भी इसके जो बॉक्स है इसके साइज़ पे देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा जी, हमने बॉक्स ओपन कर लिया है और ये हमारे पास ये पेन मौजूद है, जिसको हिडन कैम पेन भी कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। उसके साथ हमने बॉक्स के अंदर हमें जो मिलने जा रहा है वो है इसकी चार्जिंग केबल या फिर कंप्यूटर केबल भी आप लोग डाटा केबल कह सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको चार्जर भी दस्तयाब होगा, ट्रेवलर चार्जर भी यहाँ पे दस्तयाब है। और ये इसका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल, जिससे आप लोग इस कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसके साथ यहाँ पे माइक भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये नज़र नहीं आता, लेकिन इसके ज़रिए जो है वॉइस है वो हमारी रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल एक आम पेन की तरह पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये ट्रिगर है, ट्रिगर का मतलब ये है कि आप लोग इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो ये। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फोकस हो रहा है तो यहाँ पे ये लाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 2 इंडिकेटर, यहाँ पे एक लाइट है और यहाँ पे ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वाला जो है ये रीसेट बटन का है। तो ये जो है इंडिकेटर है, यानी ये लाइट का है, जहाँ से पता चलता है कि आपका जो चार्जिंग है वो कम्प्लीट हो चुका है।
या उसके अलावा जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो उसका यहाँ पे इंडिकेटर है, यानी वो लाइट से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपकी वीडियो ऑन है या नहीं हो रही। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा यहाँ पे नज़र आ रहा है, इससे आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने जेब पे लगाना आपने, तो जिससे ये है वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।